ये तो बहुत वैरायटी है फिश का। लाइट फ्लिकर हो रहा है। सारे गारमेंट्स 10 यूरो के। एक 2 यूरो वाला भी है। 2 यूरो वाला भी होता है। 2 यूरो में भी सामान मिलेगा। पता नहीं कैसा है बट ट्राई कर सकते हो। हम लोग अपन अंदर पहनने के लिए जो टी शर्ट होते हैं छोटे छोटे, 2 यूरो में उठाते हैं। 2 यूरो। और ये तो फेमस, मैंने मास्ट्रिक्ट में भी देखा। खाया था पहले एक बार। क्या वो फिश फ्राई? अच्छा, वो फिश फ्राई आगे है, वो जो देखे होगे वो आगे है। और ऑब्वियसली ये मार्केट मास्ट्रिक्ट मार्केट से तो और भी बहुत ही बड़ा है, तो इसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। भीड़ से पता चल रहा है कैसा होगा। वही है, मतलब 4 यूरो, 5 यूरो, 4.5 यूरो, मिक्स कॉड फिश, प्रॉन्स, क्रैब, जितने टाइप्स के मिलेंगे आपके सारे। क्रैब रहता है, एक बॉल टाइप रहता है, एक फ्राई। ये शायद सैल्मन है ना, उसका क्या बोन रखा है वो सूप बनाने के लिए, वही होगा शायद। बोन्स रखा है, तीन बोन 5 यूरो, फिर भी एक्सपेंसिव है। ये तो फ्रेश की पता नहीं दिख तो रहा है, चमक रहा है सैल्मन से। सारे मीट बहुत चिल्लाते हैं, मतलब ऐसा बुलाते हैं, आओ हमारे पास। फिश फ्राई की दुकान आपको भरी पड़ी मिलेगी। और बाकी अगर किसी को कच्चा फिश खाना है तो हेरिंग आके खा लेना, फेमस हेरिंग। सॉल्टेड हेरिंग विथ चीज। और ये सारा वेजिटेबल्स, 5 नींबू 1 यूरो, 6 नींबू 1 यूरो, चिली मिक्स 1 यूरो। ये सारा 1 यूरो वाला है क्या? हाँ, बट ये भी बहुत सारे सस्ते हैं। 20 संतरे 4 यूरो। ये क्या है, एप्पल 1 यूरो पर जैक। जैक मतलब एक रहता है थैली टाइप, या ये एक पीस? नहीं, एक पीस नहीं होगा, एक पीस स्टक होता है ना। केला कितने का है? 125 पर केजी। हाँ तो ठीक है, मैं तो 2 देना था ना उसको। अरे हाँ, भूल गया, पाँच से। 1 यूरो 25 सेंट। सारे सब्जी संतरे मिलेंगे, चिल्ली मिक्स, ग्रीन चिल्ली, एक यूरो में आपको मिलेगा चिल्ली, वैरायटी ऑफ चिल्ली। वहाँ पे बंधा गोभी, फूल गोभी, साइड में खीरा, प्याज का ये वही है 250 ग्राम 1 यूरो, 2 का 1 यूरो। कॉर्जेट आपका ये होता है जो पम्पकिन होता है, क्या बोलते हैं उसे, कद्दू, ग्रीन कद्दू। ये कार्ड लेते हैं क्या? 250 के ऊपर। ओके, गेम डाल दिए। अरे तो एक काम कर सकते हो क्या, उसमें ऐड कर देना और मुझे ये देना 1 यूरो 1 यूरो 1 यूरो। यू कैन ट्राई इट इफ यू वांट। दिस वन राइट? या यू कैन हैव अ 4 for 3 इफ यू कैन यूज इट। नो, आई विल हैव ओनली वन। आई विल हैव ओनली वन, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, मैं पे कर। नहीं नहीं, ये पे कर रहा है, वो डाल देगा बाद में, ऑनलाइन भेज दूंगा। अरे नहीं, ये अल्बर्ट हैन में मिल रहा था, वह 1 यूरो में, इससे और थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अल्बर्ट हैन में मिल रहा था, बट अभी 2 महीना हो गया, ये आ ही नहीं रहा है। और वो ऑलमोस्ट नियर टू हमारे चिली रहता है और थोड़ा तीखा रहता है, बट ये मुझे पता नहीं, दिख तो रहा है वैसे, होप करता हूँ कि अच्छा होगा। 1 यूरो है तो देखते हैं क्या होता है। वो एक ही बोला।
तो ऑब्वियसली आइंडहोवन बड़ा शहर है तो मार्केट भी बड़ा है। थोड़ा बड़ा है। अरे बहुत बड़ा है, साइज वाइज देखो तो बहुत बड़ा है। फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी है नेदरलैंड्स का। ये अकेला नहीं है। ये नेदरलैंड्स का फिफ्थ दो किलो। अरे नहीं मैं बता रहा हूँ ना, बट ये शायद ये हो रहा है मतलब सेम केला जो राइप। हाँ। और जो मतलब एक दो दिन में खत्म करोगे तो ठीक ही है। नहीं और दिन चलेगा। लास्ट वीक तुम्हारे साथ जो लास्ट वीक नहीं लेकर उससे पहले वीक लेकर आज तक एक बचा हुआ अभी तक खा रहा हूँ। नहीं बात करना रूम का नहीं, क्या कर रहे हो भाई। तो ये खत्म हो रहा है तो दो किलो का एक यूरो आप अगर। स्ट्रॉबेरी फंगस पकड़ लेते हैं यार। तीन स्ट्रॉबेरी पाँच यूरो। सब्जी का कितना रोज लगा है मतलब वो आप अंदर तक ऑलमोस्ट कितना एक दो और मुझे तो 10-12 दिख रहे हैं। अरे संतरे लेते हैं यार, उसको खाना बहुत प्रॉब्लम है, नंगा करके खाना पड़ता है बहुत प्रॉब्लम। क्यों स्किन मोटा पतला उसके हिसाब से होता है ना, वो मैंडरिन जो होता है ना वो मुझे इजी होता है पील करने के लिए। ये सब खैर हमें ऑफिस में देते हैं आजकल एम्प्लॉय बेनिफिट्स। फ्री फ्रूट्स एम्प्लॉय वेलफेयर, ये हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। साले पैसा भी चाहिए, लेकिन मुझे कंपनी से चॉकलेट मिलता है। चॉकलेट्स है ना, क्रिसमस में मिला था बहुत ही। क्रिसमस में मैंने स्टिकर। ठीक है, एक बास्केट में एक डजन है क्या स्ट्रॉबेरी? दो डजन 3 यूरो। हाँ 12 है। बैंगन इंडियन पर्सन जाना है ना, उसको इंडियन पर्सन दिखाते हैं। ये तो वही फल सब्जी अभी इंडियन वर्सन देखने जा रहे हैं हम। मतलब दिया गया था यहाँ पे इंडियन सुपरमार्केट से 10-20 सेंट कम है यहाँ पे। ये सुरीनामीज है या ईरानियन है? मुझे लगता है सुरीनामीज होगा शायद, क्योंकि ईरानियन नहीं होता। मैं इतना जानता हूँ सुरीनामीज लोग ही ये बेचते हैं मतलब। ओ ये चीज़, हाँ ये चीज़ सस्ता है। ये इंडियन मार्केट में 1.5 में होता है। ये तो वहाँ पे डेन हैग में 80 ऐसे कुछ होता है। याद रखना ये वाला नहीं, ये थोड़ी अपन ओरिजिनल मैगी उठाएंगे शिवामणि से। वो तो ठीक है, लेकिन वो दाल कहाँ गया? दाल ये रहा, ये है ना यहाँ पे सारा तूर दाल होता है। तूर दाल, तूर दाल ये रहा। ये 120 मतलब वो 130 वहाँ पे शायद डेढ़ होता है ये वाला, आधा किलो ना, आधा किलो शायद मुझे इतना याद है डेढ़ रहता है नॉर्मल इंडियन मार्केट्स में। यहाँ पे 1.20 का है, वही है मतलब 20-30 सेंट सारे चीज़ों में सस्ते हैं। सुरीनामीज मार्केट्स होते हैं, वीकली मार्केट में आते हैं सारे मसाले, दाल, अचार, जो भी चाहिए आपको इंडियन का। इंडियन अचार भी खाते हैं, वो मिक्स पिकल निलॉन्स का जो होता है ना वो। दूध भी बहुत सारा है, बहुत जैसे गाय का दूध लेके तो 1.4 या 1.5 का पर लीटर मार्केट में 1.1 का मिलता है। वो पूरा टेस्ट करवाता है, फिर टेस्ट करवाया जैसे गाय का उधर से लेके आता है। गाय जैसे घर में पाल रखा है। अरे मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, लेकिन मैं इतना इजीली क्यों? अरे मुझे लेना है बहुत ही। मैं क्यों घूम रहा हूँ? मैं वो पराठा पराठा समझा नहीं। ये सैटरडे संडे दो दिन रहता है, एक दिन इधर सैटरडे रहता है, सेंटर में ट्यूसडे, सेंटर में ट्यूसडे पे पहुंच जाता है। और यहाँ ऐसा कुछ है क्या मतलब, यहाँ पे फूल मार्केट होगा कल या ऐसा कुछ नहीं? फूल मार्केट उधर नहीं, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। यही मार्केट है यहाँ पे जो एक ही दिन होता है, और फूल उधर मिलता है और फ्रेश फूल भी मिलता है। अभी बार्गेनिंग कर सकते हो। एक क्या है, प्याज, अदरक, प्याज लेना तो उधर 1 यूरो वाले में तो सारा चीज़ मिलेगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देख के मन खुश हो जाता है। सारे वीडियोस इंग्लिश में बनाए, अभी लोग बोल रहे हैं हिंदी में वीडियो बना दो, बोले एक दो वीडियो हिंदी में डाल। कोई एक बोलेगा कि हिंदी आपको शायद आता नहीं है, बोला अरे ऐसा नहीं है क्या
एक ही वीडियो बनाया था हिंदी में। क्या खाना है क्या? सोच रहा था बट क्या वाफल शेयर कर सकते अगर तुम एक नहीं खा सकते तो। क्या वाफल? क्योंकि मेरा पेट में जगह नहीं है बट मैं थोड़ा ऐसे शेयर कर सकता हूँ। अपने बीच में क्या ना हम डाइट कॉन्शियस हो गए थोड़ा। अरे वैसे बोलोगे तो मैं भी अरे वो तो लूंगा यार वो आज बहुत दिन होगा पहले पाए वो तो आज लेना हाँ वो ले जाएंगे अलग से। क्या हम लोग डाइट कंट्रोल कर रहे हैं एक दोनों का? क्योंकि हम लोग वही डिसाइड कर रहे हैं। एक यूरो। अरे अभी ये बहुत दुख लग रहा है। मैं लूना स्पार से ले लिया दो यूरो दे ये सस्ता है ये अल्बर्ट हाइन में शायद कल देखा था एक यूरो 20 सेंट 30 सेंट कुछ था और ये सारे वही हर एक माल पाँच यूरो ये भी सारे एक वाले हैं वन स्टक वन यूरो सारे चीज़ एक यूरो में एक इसका चार पैकेट ले जाओ तीन यूरो होगा वो मिर्च का। मैं बोला नहीं बोल रहा यू कैन कीप इट इन द फ्रीजर। भाई फ्रीजर तो मेरे पास जो पड़ा है फ्रीजर दो अरे ये क्या है उसका लोगो ऐसा है ना देखने से ऐसा लगता है कि आँख में क्या हो रहा है। हाँ मतलब इल्यूजन लगता है अजीब टाइप का नहीं आता फीलिंग वो लोगो टिकटॉक का। पाँच रुपये में चाहिए। अरे यार अरे लेकिन मैं सस्ता लाता हूँ हम लोग में उसमें भी अच्छा लगता है। क्या चीज़ वो मोजे ओ मोजे हम लोग सस्ते पॉइंट को हिट करते हैं। जो 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 बाहर को दिखता है वो अच्छा खरीदते हैं जो अंदर पहनते हैं वो पूरा सस्ता ही रहता है। ये भी सारे 5 यूरो वाला लेडीज स्टफ। प्राइमार्क इधर जाओगे ना दुनिया खरीद चीज तो हर जगह मिले। प्राइमार्क तो भाई वो तो मतलब अल्टीमेट बांग्लादेशी कपड़े लाते हैं। मेड इन इंडिया भी खरीदा था रिसेंट मेड इन इंडिया 2 यूरो का टी शर्ट। कौन सा चीज तो आपको हर जगह मिल जाएगा चीज खरीदना सब भी है। आपको कुछ लेना था ना इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ बोले? हाँ वो साइड वो इलेक्ट्रॉनिक्स है छोटा मोटा चार्जर कि कोई छोटा सा यूएसबी हब या जो भी हो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स हो जो उठा के लाए क्या है वैसे दिख रहा है। प्राइस भी लगे क्या? अरे इससे सस्ते तो प्राइम में 36 यूरो 26 यूरो प्राइमार्क में 10 यूरो में ऐसे जूते मिलेंगे। कौन सा अच्छा लग रहा है वो बच्चों का? ग्रीन कलर। हाँ अच्छा हाँ वो अच्छा दिख रहा है डिज़ाइन ऑक्सीसियो 15 यूरो 20 यूरो लेकिन दिखने को सही दिख रहा है ये हाँ ये रो पूरा अच्छा बॉडी बिल्डर को पहना रखा है बॉडी बिल्डर को पहना रखा है बात वो पॉइंट सही है पर सेम चीज़ ये भी है लेकिन वो बॉडी बिल्डर को नहीं ये फैल रहा है दिल में लेकिन ये अच्छा लेना है क्या? अरे पता नहीं इनको पता है ऐसा ही होता है हमारा हम लोग जाते हैं कितने का है सारा चीज़ लेने के लिए मन करता है इंटर की बट कितने का है लिखा हुआ कहीं पे नहीं लिखा है भैया कितना दो ही ये शॉर्ट थोड़ी ना खराब हो जाएगा बार्गेनिंग नहीं कर सकते साइड राइट साइड ठीक है नहीं अरे होगा शायद क्योंकि ये सारा लिखा है 2 10 यूरो तो 10-12-15 यूरो 5 होगा उसको बोलना अरे कितने का 2 दो यूरो शर्ट खराब थोड़ी होगा चलते रहेगा नेक्स्ट विंटर फिर उठा के ले आएंगे। अभी फ्रंटलाइन में चलते हैं फ्रंटलाइन देखते नहीं ना ऐसा तो तुम्हारा तो 30% होगा ना तो इंडियन एक्सचेंज हो जाएगा लेकिन 180 दिन पार हो गया ना वैसे कुछ है क्या रूल 185 मतलब आइडियली बट एक्सचेंज होता कैसे होता है मतलब फिर वापस अगर सपोज कोई गया तो उसको मिल जाएगा या कैसे? इंडियन वाले वापस नहीं मिलेगा तो क्या होता है तो उसको कॉपी करके रखो इंडिया में फिर से अप्लाई करना कि मेरा खो गया ऐसा कुछ करके करना पड़ेगा। अच्छा
मुझे लगा कि शायद क्योंकि वो चीज़ बहुत लोग पूछते हैं, मुझे नहीं पता है उसका प्रोसेस क्या है। नहीं, वापस नहीं मिलता है, मैं श्योर, क्योंकि मैं ग्रुप में पढ़ा था। हाँ हाँ, वापस क्यों दें? ये क्या है इसमें? मुरब्बे है ये वीड्स। हाँ, ये तो हमारे कैफे, मतलब कैफे नहीं, कॉफ़ी होता है ये, फिर से कैफे है तो बियर है। यहाँ पे भी कॉफ़ी, अरे यहाँ पे कॉफ़ी शॉप कहते हैं। ये मेन सिटी सेंटर है ना या नहीं है? ये क्राउस्टर, ये क्राउस्टर है, ये शॉपिंग एरिया। और यहाँ से कितना दूर है सिटी सेंटर? बैवाक हम लोग स्टेशन जहाँ से निकले उल्टा साइड से निकलते हैं सिटी सेंटर। ओ अच्छा, और इस साइड में लिखा था नॉर्थ और यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ था। यूनिवर्सिटी साइड से निकले अपन इधर आ गए, और वहाँ निकलने के बाद तुरंत ही आएगा सिटी सेंटर। चाहो तो अभी अपन चल सकते हैं, कोई काम नहीं मेरे को। सारे नट्स के नट्स नहीं, वो कैमरे को बोल रहा हूँ। हाफ किप पहले किप, सो फुल ये देख के लोग, चिकन खाना है तो 7 यूरो, हाफ खाना है तो 3.5। बाकी यहीं पे आके ऐसे ही खड़े रह जाओ तो डे टाइम बॉडी गर्म हो जाए, मेन वही है। 3 यूरो आ गया, देखो 3 यूरो पैक। ओ बाप, 3 यूरो। ये देखो हिंदी में वीडियो बनाया, अभी फिर बाद में ये मत करना कि दिखता नहीं है हिंदी। अरे असिस्टेंट से बनता है। कैसिनो गए हो कभी? कैसिनो एम्स्टर्डम में एक बार चलना है, एक फ्री कैसिनो है, यहाँ पे भी होगा शायद, पता नहीं। हमारे बालकन में सारा पेड वाला है, वो मस्त था। एक दोस्त ज़बरदस्ती लेके, मैं बोला मैं पैसा नहीं देना, बोला नहीं फ्री है, एंट्री फ्री है। तो अंदर चले गए, ऐसे 1 यूरो डाला, बोला देखो 1 यूरो डाल रहा हूँ और ज़्यादा ये नहीं, मुझे इंटरेस्ट 2.5 हो गया। फिर बोला कि अरे 1.5 रखते हैं, फिर 1 को डालते हैं, ऐसे करके एंड में माइनस प्लस हो के 15-20 मिनट रहे, 4 यूरो बन गया, 9 यूरो मैं बाहर आ गया, इतना बहुत है। फिर 9 यूरो को डालो, फिर मेरे पास कॉइन था नहीं, उसने दिया था तो मैं बोला भाई 2 यूरो तू रख कमीशन ना मुझे बाकी। अपन ने तो कॉइंस का कहीं और यूज़ किया था। ओह शिट, हम लोग और कहीं पे यूज़ किए थे, अपन 2 यूरो के कॉइन्स जुगाड़ने में मेहनत किया था भाई बहुत।